हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी की मंजीरी का हम क्या करें। तो फ्रेंड देखिए, सभी के घर में तुलसी होती है ना, और तुलसी के ऊपर जो मंजीरियां लगती हैं उनको भी हमें निकालना होता है। समय समय पे वो तुलसी के ऊपर आती है और हमें निकालना होता है। अगर हम नहीं निकालते ना तो तुलसी झुकने लग जाती है, और झुकने से क्या होता है, तुलसी जो है ना सूख भी जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा तुलसी पे भार हो जाता है ना तो वो सूखने भी लग जाती है। तो हमें ना इनको समय समय पर निकालना होता है। तो देखिए, आप हरी मंजीरी भी निकाल सकते हैं और सूखी भी। बहुत सारे लोग हरी मंजीरी निकाल के भगवान हरि पे चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी पे चढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप शुक्रवार के व्रत रख रहे हैं तो माता लक्ष्मी को माला बना के आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप बृहस्पतिवार के व्रत रख रहे हैं तो भगवान हरि को, भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं, लड्डू गोपाल को चढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आता है, चढ़ा तो हम सभी को पता होता है कि चढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल सबसे मेन जो आता है यही आता है, सबसे जरूरी जो सवाल होता है लोगों के मन में वो ये होता है कि चढ़ाने के बाद इनका क्या करा जाए, इनका क्या करें हम, ठीक है। तो वही सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और तुलसी की मंजीरी को कैसे तोड़ना है, मतलब ये सारी जानकारी मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली है, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आधी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी और आधी इसमें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ना भगवान को चढ़ाई थी ये। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये तो सूखी मंजीरी है, ये सूख गई है, हरी होती है, हरी वाली मंजीरी इस टाइप की होती है। जैसे कि ये हरी है, ये भी सूख गई है, ये मैंने चढ़ाई थी एक हफ्ते पहले। जैसे कि बृहस्पतिवार को चढ़ाई, तो बृहस्पतिवार को हमें उतार के दूसरी हम चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पौधों पर है तो, ठीक है, तुलसी के पौधे पे है तो, वरना आप इसको रहने दीजिए। और सूखने के बाद इनको आप उठा लें एक हफ्ते बाद। आप पहले से उठाना चाहते हैं तो पहले से भी उठा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये थोड़ी सी लकड़ियां थी तुलसी की सूख गई थी, जो वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी छांट ली, क्योंकि ये भी हमें निकालना जरूरी होता है। सूखी लकड़ियों को निकालने से ना सही रहता है, जो तुलसी की ग्रोथ होती है ना वो अच्छी खासी बनी रहती है हमारी। और अगर हम सूखी लकड़ियों को तोड़ देते हैं तो वहाँ पे दूसरा ही नई, मतलब एक कली खिल जाती है और उससे हमारे तुलसी की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है। तो जो मैंने पत्ते वगैरह चढ़ाए थे तुलसी के और जो मंजीरें चढ़ाई थी वो अभी सूख गई, तो मैंने मंदिर से निकाल ली, ठीक है। अब मैं इन पत्तों को तो एक साइड में रख दूंगी। अब हमें मंजीरी का क्या करना है, देखिए सबसे मेन बात यही आती है, लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या करें। तो हमें क्या करना है, देखिए सूखने के बाद इसको सबसे पहले तो हमें इस तरीके से इसकी जो डंडियां है ना वो निकाल लेनी है। ये सारी डंडियां में इस तरीके से इसकी जो बीज होते हैं ना, बीज तुलसी के मंजीरी के, उनको हम निकाल लेंगे सबको, इनके अंदर बीज होते हैं, ठीक है। और ये हैं लकड़ियां। अब इन लकड़ियों का मैं क्या करती हूँ, ठीक है, मेन बात मैं ये बताऊंगी इन लकड़ियों का हम क्या करते हैं। इसका हमें कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है इनका। मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने पहले सबको निकाल लेती हूँ एक एक करके। तो हमें इस तरीके से निकालना है, तो देखिए बहुत ही आसानी से सूखने के बाद ये निकल जाती है। हल्का सा हमें बस इस तरीके से खींचना है बस, और ये निकल जाएंगी। और ये हो गई ये तुलसी की मंजीरी की लकड़ी, ठीक है। इसको हम एक साइड में रखते रहना, फेंकना नहीं है इनको हमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको निकाल के फेंक देते हैं या उल्टी सीधी जगह गिर देते हैं, ऐसा नहीं करना, या जल प्रवाहित कर देते हैं। देखिए जल प्रवाहित मैं बिल्कुल नहीं करती, अपनी तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की सूखी तुलसी हो, कुछ भी हो, मैं बिल्कुल नहीं करती जल प्रवाहित। मैं घर में ही उसको इस्तेमाल करती हूँ, और देखिए बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, घर में इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ सारे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो हूं ना लकड़ियां अलग कर ली हैं सारी, जो मंजीरी की लकड़ियां हैं वो हैं ये, ठीक है, ये तो मैंने अलग कर ली हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कर ली हैं अलग तुलसी की लकड़ियां। अब इसका हमें क्या करना है, इनको हमें फेंकना नहीं है, ना तो हमें जमीन में दबाना है। देखिए अगर आपको मेरा इस्तेमाल अच्छा ना लगे, जो मैं करती हूँ ना, अगर आपको वो ना लगे अच्छा, आपको वो तरीका अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको जमीन में दबा सकते हैं, या फिर पौधों में, जैसे तोड़ के इस तरीके से, इस तरीके से तोड़ के आप इसको पौधों में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं इनको इस तरीके से तीन चार पार्टों में तोड़ लेती हूँ, ठीक है। मैंने दो पार्ट कर लिए हैं, एक पार्ट और करूंगी, वे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे। मैं जब भी कोई पूजा करती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये लकड़ियां भी हुई, मैं जब भी कोई, जैसे शुक्रवार को या फिर बृहस्पतिवार को छोटा सा हवन करती हूँ, भगवान हरि के नाम का हवन करती हूँ, उसमें इन लकड़ियों को मैं अग्नि में हवन के तौर पे इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। तो इससे जो है ना घर के जो वातावरण होता है बहुत अच्छा हो जाता है, घर की नेगेटिविटी जो होती है ना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, घर में बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा यज्ञ करवाया है, हवन करवाया है, बहुत ही अच्छा सा मतलब लगने लग जाता है घर में। आप जरूर एक बार करके देखिएगा। तो देखिए लकड़ी जो निकलती है ना तुलसी की, तो आपको मैं साधारण भाषा में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो लकड़ी, तुलसी की लकड़ी मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको हम लेके इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेंगे कहीं भी सेफ जगह पे, या फिर किसी पॉलिथीन में डब्बे में डाल के आप इकट्ठी करके रख लें। और जब भी आप कोई जैसे बृहस्पति होता है या शुक्रवार होता है, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उनमें इनका हवन कर सकते हैं। छोटा सा एक हवन करिए, कपूर जला के, थोड़ी सी गाय की कंडी जला के, उसको कच्चा जला के उसके ऊपर छोटा सा हवन कर सकते हैं गोबर वगैरह डाल के। आपको मैं वो करके भी दिखाऊंगी छोटा सा हवन कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। तो उसका इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं लकड़ियों का, ठीक है। अगर आप ये इस्तेमाल आपको अच्छा नहीं लगता, मैं फिर से बता देती हूँ, अगर आपको ये इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता, जलाना नहीं अच्छा लगता है तुलसी की लकड़ियों को या फिर जो मंजीर में से लकड़ियाँ निकलती हैं उनको, तो आप फिर इनको जल प्रवाहित कर सकते हैं। देखिए मेरी नज़रों में मैं जल प्रवाहित बिल्कुल नहीं करती हूँ तुलसी की लकड़ी को, क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, ये हमारे घर में है, तो हम इसको मतलब कमज़ोर होने के बाद कैसे इसको घर से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें इसको घर में ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालती तुलसी की सूखी लकड़ी हो, पत्ते हो, कुछ भी हो, मैं नहीं निकालती, मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो रही बात लकड़ियों की कि हमें ऐसे करना है इस्तेमाल, तो मैं ऐसे करती हूँ। नहीं करना आपको ऐसे, तो आप मिट्टी में ही अपने गमलों की मिट्टी में थोड़ा सा खोद के खड्डा उसमें दबा सकते हैं इनको, ठीक है, अगर आपको इस्तेमाल करना या हवन करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये बात हो गई तुलसी की, मतलब कि जो मैंने बीज से जो लकड़ियाँ निकाली हैं फूलों से उनकी, और अब हो गई इनकी बात, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना होता है, देखिए जो फूल निकले हैं मंजरी के, तो देखिए मैं क्या करूंगी इनका, तो ये लकड़ी तो मैं साइड में कर देती हूँ। अब इसको हमें ऐसे ऐसे हल्का हल्के हाथों से इसको हल्का सा दबाना है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात, जो बीज होते हैं ना इसके, इनके बीज सारे निकल जाएंगे, जो फूलों के अंदर जो बीज है ना सब एक तरफ हो जाएंगे। हमें सिर्फ इसके बीज निकालने हैं और मैं आपको बीज दिखाऊंगी। और देखिए बीज ये ना आप ना किसी को भी दे सकते हैं, जिनके यहाँ तुलसी नहीं होती उनको दे सकते हैं बीज, आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हर घर में तुलसी होगी, आप उसके बीज देंगे तो कितना पुण्य का काम है ना ये, तो मैं तो ऐसी करती हूँ। देखिए मैं इसके बीज निकाल लेती हूँ और जिनके घर में तुलसी नहीं होती ना उनको दे देती हूँ। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से मैं हिला दूंगी इसको, मैंने सारा चूरा सा बना लिया है, इसके अंदर से जितने भी बीज होंगे ना सब निकल गए होंगे। तो बीजों को तो देखिए हमें जलाना नहीं चाहिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी, बीजों को जलाना नहीं चाहिए, या तो मिट्टी में हमें थोड़ा डाल देना चाहिए तो नए पौधे हो जाते हैं, या फिर इसको चाय वाय में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हमेशा बीज इसके पहले निकाल लेती हूँ सारे छांट के, इसके बीज सारे निकल गए होंगे, ठीक है, थोड़े बचेंगे वो मैं बाद में देखूंगी। अब मैं आपको इसको उठा के दिखा देती हूँ, तो इसके बीज जो है ना नीचे बहुत हो गए हैं सारे इकट्ठे, नीचे ही इसके सारे बीज आ गए हैं। तो मैं अभी आपको बीज दिखाऊंगी, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़े से बीज रह गए हैं तो आप, मैं बताती हूँ इसका मैं क्या करने वाली हूँ, ये बताऊंगी इसका मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो रोज रोज तो ये निकलती नहीं है, ये महीने में एक बार निकलती है या फिर 15 दिन में एक बार आपको निकलेंगी, डेली नहीं निकलती, ठीक है। तो इस्तेमाल हो जाती है, हमें इधर उधर इसको वेस्टेज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अभी हमने निकाल लिए फूल, इसका मैं क्या करूंगी ये बताऊंगी। देखिए ये बीज जो है ना, ये बीज देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ये बहुत काम के है। तो ये जितने भी काले काले दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे तुलसी के बीज हैं। अब सोचिए इसमें कितने सारे पौधे उगेंगे, एक बीज से एक पौधा उगता है, तो सोचिए कितने बीज। अगर मान लीजिए 10 हम बीज डाल रहे हैं, उसमें से 8 बीज अगर खाद बन जाएंगे तो 2 बीजों को तो पौधे निकलेंगे, कम से कम अंकुरित होंगे। तो इसलिए ये बीज हमको छाट के संभाल, अब ये कैसे अलग से निकालने हैं, ठीक है, ये अलग से कैसे निकालने हैं, हम पानी में इसको डाल देंगे, इसको हम पूरा पानी में डाल देंगे, और पानी में डालने के बाद ये बीज जो होते हैं ना वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो जितना भी ये इसका फूलों का जो बरूदा है ना वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीज भी सारे नीचे रह जाएंगे। तो बीजों को हमें रात भर फुला के रखना है, फुला के रखने के बाद पानी में, और जो जितना भी ऊपर का ये आएगा ना सारा, ये जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है फूल होते हैं मंजरी के, वो सारे ऊपर आ जाएंगे, उनको आप पानी को पौधों में डाल दें, और जो बीज होते हैं उनको निकालने अलग अलग निकाल के साफ कपड़े में इसको सुखा के, उसके बाद आप थोड़ी सी मिट्टी को खोद के खाली गमले में इसको डाल सकते हैं, तो आपकी जो है ना तुलसी के नए पौधे उग जाएंगे इससे। तो बीज आपको इस्तेमाल नहीं करने चाय वगैरह में, ये आपको सिर्फ इसके पौधे ही अपने घर में उगाने हैं या किसी को भी दे देने हैं। तो मुझसे देखिए 2-3 जनों ने मांगे हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। अब देखिए थोड़े से ही ये, इतने से भी मैं अगर दूंगी ना एक जने को इतने से भी, तो भी पौधे बहुत सारे उग जाएंगे, ठीक है। और अगर इतने से मैं 3 जनों को आराम से दे सकती हूँ इतने इतने करके, तो 3 भागों में मैं इतने इतने दे दूंगी, बहुत सारे पौधे उगेंगे इसमें से, ठीक है। और देखिए ये जो इसका मैं क्या करूंगी, इसका मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ी सी वो जो होती है ना लौंग, इसमें लौंग मिक्स करूंगी मैं थोड़ी सी, जैसे कि 8-10 लौंगें और एक छोटा सा पैकेट इलायची का मिक्स करके मैं इसका बना दूंगी मैं चाय पत्ती का मसाला, ठीक है। लौंग और इलायची मिक्स करके मैं इसका बना दूंगी चाय पत्ती का मसाला। हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हम इसको चाय पत्ती में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी पीरियड वगैरह होते हैं तो उनमें तो हम हाथ नहीं लगा सकते तुलसी की मंजीरी को या उनके बीजों को, तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये गलत है।
देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप सारी चाय पत्ती महीने भर की चाय पत्ती में आप इसको मिक्स करें, नहीं, इसको अलग बना के रखना होता है मसाले को। और जब भी आप पीरियड से हों तो आप इसको ना इस्तेमाल करें, हाथ ना लगाएं, और जब आप ठीक हो जब इसको इस्तेमाल करें। सर्दी खांसी जुखाम में ये आपको बहुत फायदा करेगी। तो इसके फूल तो देखिए मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसमें इलायची और लौंग मिला के इसका चाय का मसाला बना लेती हूँ पीस के। और ये बीज जो है ना मैं अभी पानी में मिक्स करके और इसका जो जितना भी थोड़ा बहुत गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी, बीज नीचे बैठ जाएंगे। और इनका मैं किसी को देखिए, दिख रहे हैं ना आपको बीज, ये देखिए छोटे छोटे से बीज होते हैं इसके। तो ये बीज हमको पानी में फुला के ही इसके पौधे लगाने होते हैं, तभी बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं ये। तो ये मैं अपने घर में लगाऊंगी कुछ और, क्योंकि मुझे मेरे घर में जितने तुलसी के पौधे हो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे को कहना होता है कि तुलसी का पौधा एक या दो ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, जितने तुलसी के पौधे घर में होते हैं ना उतना ही अच्छा और शुभता आती है घर में। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, और अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बीज कैसे निकालती हूँ, किस तरीके से करती हूँ, और इसका मसाला भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय तुलसी मैया की।